नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हो, ये 22 तारीख को आज सुबह ही सैटेलाइट से लगभग 8 बजे सैटेलाइट से ली गई है। उत्तर भारत में सर्दी का कहर जारी है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान जो है ना, वो 3.2 डिग्री तक आ चुका है। यूपी, बिहार, J&K में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। पंजाब में घना कोहरा व राजस्थान में ओस की बूंदें जो है ना, वो बर्फ़ बनकर जम रही हैं। आने वाले दिनों में यहाँ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है ना, पाकिस्तान से अफगानिस्तान साइड से इधर हिमालय एरिया में जो आता है, तो आने वाले दिनों में एक के बाद एक कुल 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देने वाले हैं। पहला 24 तारीख को और दूसरा 26 दिसंबर को आएगा। अब 24 से 29 दिसंबर के बीच में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 23 दिसंबर से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में, ये एरिया और ये मध्य भारत का एरिया, उत्तर भारत का एरिया, अधिकांश हिस्सों में शीतलहर की स्थिति में कमी आने की उम्मीद है। अच्छी न्यूज़ है। लेकिन 23 से 26 दिसंबर के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हो ये सी ऐसा के निशान लगा हुआ है, इसका मतलब विजिबिलिटी होता है कि घना कोहरा दिखाई कम देगा, दृश्यता कम रहेगी। 23 से 26 दिसंबर के बीच में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में अलग अलग इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। 26 से 29 दिसंबर 2021 के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाके, मतलब कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, इधर एरिया में हल्की से मध्यम छिटपुट बारिश की भी संभावना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने जो वेदर रिपोर्ट दी है, उन्होंने भी ये कहा है, एडवाइजरी जारी की है कि भाई बादल और बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाएगी। आलू, टमाटर में ब्लाइट और सरसों में सफ़ेद रतुआ प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी फसलों का बचाव करें। गेहूं को पहला पानी समय पर दें, लेट बिजाई में 25-30 दिन के बाद दें, थोड़ा लेट दें। दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 26 को आएगा, वो 26-27 दिसंबर से उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी राज्यों में और मैदानी इलाकों को, इधर नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, उत्तर भारत में काफ़ी प्रभावित कर सकता है। इस पश्चिमी विक्षोभ से बारिश का फैलाव और तीव्रता अधिक होने की संभावना है, जबकि पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो 23-24 को आएगा, 23 और 24 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, NCR और पश्चिमी यूपी में मौसम परिवर्तनशील होगा। बादलवाई होने के साथ साथ सीमित इलाके में बूंदाबांदी या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, कम चांस है, होगी तो हल्की होगी। तेज बारिश और अच्छी बारिश की संभावना जो है ना, 25 दिसंबर से पहले नहीं है। 25 दिसंबर से पहले उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, राज्यों में हवा की दिशा बदल जाएगी, पूर्व दक्षिणी पूर्वी हो जाएगी, तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होएगी, शीतलहर में थोड़ी कमी हो सकती है 2-3 दिनों के लिए। आपको मेरा यह प्रयास, मेरी ये वीडियो सार्थक नज़र आती हो, कुछ फ़ायदा होता हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।